हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ोनपे से फास्टैग रिचार्ज कैसे किया जाता है। कोई सा भी गाड़ी का फास्टैग हो या फिर किसी भी बैंक का फास्टैग हो दोस्तों, उसे कैसे आसानी से रिचार्ज करते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, फ़ोनपे से फास्टैग का रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप फ़ोनपे ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपका पहला होम पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों रिचार्ज एंड पे बिल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको फास्टैग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे फास्टैग का ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे सिंपल आपको सी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज वाले बॉक्स में, रिचार्ज वाले सेक्शन में फास्टैग का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। फास्टैग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपने गाड़ी को नंबर यानी कि गाड़ी ऐड करना है जिसका फास्टैग आप रिचार्ज करना चाहते हैं, उस गाड़ी को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे ऐड न्यू व्हीकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका फास्टैग जिस बैंक से लिंक है यानी कि जिस बैंक से आपका फास्टैग बना हुआ है उस बैंक को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा इंडसइंड बैंक से है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंडसइंड बैंक फास्टैग को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपना फास्टैग बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको इस पेज में आपको अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यानी कि जिस गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज आप करना चाहते हैं तो उस गाड़ी का, उस व्हीकल का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यानी कि गाड़ी का नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सीधा कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है तो उस गाड़ी का फास्टैग का यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा कि ये फास्टैग किसके नाम पे है। तो यहाँ पे कस्टमर नेम दिया हुआ है और उसके बाद फास्टैग में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है और गाड़ी का जो मॉडल है दोस्तों वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फास्टैग का डिटेल चेक करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या फिर गलत। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना रिचार्ज करने के लिए सिंपल यहाँ पे इंटर अमाउंट वाले में आपको अमाउंट डालना है। जितना रिचार्ज आप करना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहां पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 500, 1000, 2000, 3000 है तो वहां से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जितना का रिचार्ज करना चाहते हो उतना यहां पे अमाउंट टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से अपना अमाउंट भरने के बाद आपको सीधा प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों अपना यूपीआई पिन डाल के आप सिंपल इसे आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूपीआई पिन डाल रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया था दोस्तों, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा आपने कि जैसे मैंने अपना यूपीआई पिन डाला तो यहाँ पे मेरा जो है फास्टैग सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के फ़ोनपे से अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं या फिर किसी का भी फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।